जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक सागर के बर्फ से ढके हिस्से पिघल रहे हैं। ऐसे में चीन की मंशा ध्रुवीय रेशम मार्ग यानी पोलर सिल्क रोड बनाने की है। इसमें भागीदारी के लिए ड्रैगन ने अपनी रुचि दिखाई है। इसके साथ ही इस ध्रुवीय मार्ग के एक नया समुद्री मार्ग बनने की संभावना बढ़ गई है। चीन के सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक चीन आर्कटिक पर सहयोग में और ध्रुवीय रेशम मार्ग के निर्माण में हिस्सा लेगा। चीन के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा और 2035 तक के दीर्घकालीन लक्ष्यों को हवाला देते हुए ये जानकारी दी गई है। दोनों ही योजनाएं चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस को सौंपी गई, जिसका शुक्रवार से यहां वार्षिक सत्र शुरू हो रहा है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ते हुए ट्रांसपोलर सी रूट उत्तरी ध्रुव के करीब से गुजरते हुए आर्कटिक महासागर के केंद्र में कट जाएगा। आपको बता दें, ये मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए दूरियों को काफी कम कर सकता है, लेकिन साल के अधिकांश समय तक बर्फ जमने के कारण मौजूदा आर्कटिक शिपिंग मार्गों की तुलना में ज्यादा कठिन रास्ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की डॉक्टर मिया बैनेट के नेतृत्व वाली शोध टीम ने बताया कि तीन आर्कटिक जहाजी मार्गों पर आधिकारिक अभियान भेजने वाला चीन अकेला मुल्क नहीं है। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आर्कटिक क्षेत्र तक अपने प्रभाव को फैलाना चाहता है। चीन ने साल 2018 में एक व्हाइट पेपर जारी किया था, जिसमें उसने ध्रुवीय रेशम मार्ग को परिवर्तित करने की मंशा जाहिर की थी। चीन ने इस पेपर में मल्टी बिलियन डॉलर के अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इससे जोड़ने की बात को रेखांकित किया था। बीजिंग ने 2013 में BRI का अनावरण किया था। इसका लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को जमीन और पानी के मार्गों के जरिए जोड़ना था। वहीं भारत ने BRI की आलोचना की है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है। बहरहाल, इसे लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।